अस्सलाम वालेकुम, वेलकम 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 टू डिमांड चैनल। फिल्मों के शौकीन लोगों, बाहर जाने के शौकीन लोगों, ठरकी हो फटाफट अपनी अटेंशन दें इस वीडियो के ऊपर। आज हम आपको लेके आए हैं पाकिस्तान के टॉप क्लास और वन ऑफ अ काइंड मल्टीप्लेक्स सिनेमा में। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट सिनेपैक्स। तो अगर आप सिनेपैक्स का तूल अर्ज देखना चाहते हैं, सिनेपैक्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आजकल कौन सी मूवीज इन है, तो सबसे पहले जाएँ जाके डिमांड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर हम आपको लेके चलते हैं इस ज़बरदस्त सी फिल्मी जर्नी पे। तो आए चले हमारे साथ। जी तो हम मौजूद हैं एज़ पर आर प्रॉमिस सिनेपैक्स रावलपिंडी, और सिनेपैक्स रावलपिंडी मौजूद है जनाब जिना पार्क में। और यहाँ पे हम लोग अपनी फैमिलीज के साथ कई दफ़ा आए हैं, आप भी आए होंगे, लेकिन इस तरह का इन डेप्थ टूर आपको किसी ने नहीं कराया होगा। तो चाहे आए चलते हैं फिल्मों की इस दुनिया में, और ज़बरदस्त है इसमें, हम आपको इसकी हिस्ट्री भी बताएंगे ये कब बना और ओवरऑल ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे इसका कॉन्सेप्ट आया। मल्टीप्लेक्स सिनेमा पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं, चाहे वो 2D हो चाहे 3D हो। पाकिस्तान का, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है, वेयर लेस देन नो बॉडी, बिल्कुल इसी तरह सिनेपैक्स एक जीता जागता सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क से पीछे नहीं है। अगर हमें सही तरीके से मौका मिले और अच्छे साजगार हालात मिलें और हम थोड़ा सा अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करें, तो पाकिस्तानी दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं बना कर सके। और इसी के सबूत के तौर पे आज हम आपको ये ज़बरदस्त सा सिनेप्लेक्स सिनेमा, मल्टीप्लेक्स सिनेमा दिखाने लगे। तो आए लेट्स गो। आप अपनी फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ आएँ, दोस्तों के साथ आएँ, जब भी आएँ आपको सिनेपैक्स में एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मिलता है। और वो एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है सिनेपैक्स के इसी एंट्रेंस हॉल से। थोड़ी देर में हम टिकटिंग के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम इस चीज़ पे एम्फेसाइज करना चाहते हैं कि किसी भी अच्छे ब्रांड की खूबसूरती और उसकी कामयाबी की वजह होती है उसके रूल्स, जो वो सोच समझ के बनाते हैं कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनकी कम्फर्ट को, उनकी सेफ्टी को जहन में रखा जाए। इसी तरह सिनेपैक्स ने आपकी कंफर्ट और सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए, आपकी फैमिलीज़ की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए हैं। बाहर से आप खाना नहीं ले जा सकते, आपकी चेकिंग होगी, सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी, वेपन्स ना जा सकें, ताकि आप बेफिक्र हो के उस चीज़ को, उस मूवी को इंजॉय कर सकें। और उस जो पूरा उन्होंने अंदर एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, उसके अंदर आपकी फैमिली थोड़ी देर के लिए अपनी परेशानियों को भूल सके। जो मूवीज़ का कॉन्सेप्ट होता है वो होता है अपनी सकाफत दिखाना और अपने कल्चर को प्रमोट करने के साथ साथ आपको एक एस्केप देना ज़िंदगी की परेशानियों से, ज़िंदगी के प्रॉब्लम से। आपको एक फरार का रास्ता मिलता है, आप एक इमेजिनरी दुनिया में जाते हो जहाँ पे हर चीज़ मुमकिन है। लो जी, मौले नू मौला ना मारे थे, मौला नहीं मरदा है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी रिकॉर्ड तोड़ दिए, पाकिस्तान की शान बनी, पाकिस्तान की आन बनी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनी। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द लेजेंड ऑफ मौला जट, और वो यहाँ पे फीचर्ड है। इस लेजेंड ऑफ मौला जट को देखने के लिए अब आपको ज़्यादा कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाई क्वालिटी प्रीमियम इन्वायरमेंट में आप बैठ के जस्ट 350 रुपीज़ में सिनेपैक्स में ये मूवी इंजॉय कर सकते हैं। सिनेपैक्स के काउंटर से टिकट खरीदने के बाद जब आप खूबसूरत से इस हॉल में एंटर होते हैं, तो सबसे पहले
आपको लेजेंड ऑफ मौला जेट का पोस्टर ग्रीट करते हैं और कहते हैं नवा है सोनिया, और फिर आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इस मूवी के बारे में जितनी भी तारीफ हुई है वो आप अच्छी तरह जानते हैं, और ये मूवी लगी हुई है सिनेपैक्स में, आप आएँ आके इन्जॉय करें, इट्स अ होलसम एंटरटेनमेंट। आपको यहाँ पे और भी बहुत सारी मूवीज मिलेंगी, लाइफ साइज पोस्टर्स कहते हैं इनको, ये लाइफ साइज पोस्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। ईद के ऊपर ये मूवी यहाँ पे लगने वाली है, तो जो भी मूवीज यहाँ लगती हैं या लगने वाली हैं उनकी प्रमोशनल मटेरियल इस तरह लाइफ साइज पोस्टर्स में यहाँ पे मौजूद है। और ये खूबसूरत गैलरी, लंबा खूबसूरत हॉल जो है ना, ये आपका और आपकी फैमिली का मुंतजर होता है। हसल एंड बसल यहाँ पे आपको नजर आएगा जिस वक्त यहाँ पे मूवीज लगी हुई होंगी, और ये अपने ऑपरेशनल अपने जोबन पे होता है शाम के टाइम पे। सिनेमा रूम्स में नंबरिंग करके उसको स्प्लिट किया गया, जैसे जिसको स्क्रीन्स कहा जाता है। मल्टीप्लेक्स इज अ शॉर्ट फॉर मल्टीपल प्रोजेक्शन स्क्रीन्स, यानी कि हाई एंड प्रोजेक्टर्स स्क्रीन्स के ऊपर लगे होते हैं, सीट्स लगी होती हैं इसमें, आपके पास जो है वो गोल्ड सीट्स भी हैं इसके अंदर, आपके पास लग्जरी के लिए भी है सीट्स। ये स्क्रीन में आप जाएंगे थोड़ी देर में, अभी हम आपको इनका फूड एरिया दिखाते हैं। जैसे एक ज़बरदस्त सी चाय के साथ अगर नान ना हो या पराठा ना हो तो मज़ा नहीं आता, बिल्कुल उसी तरह फिल्म का पूरा एक्सपीरियंस, चाहे आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं वो पॉपकॉर्न और स्नैक्स के बगैर अधूरा है। इसी चीज़ को वर्ल्ड क्लास इस ट्रेंड को कैरी किया सिनेपैक्स ने, और आपके लिए एक आउट क्लास किस्म का फूड कैफेटेरिया बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्क्रीन हॉल्स मौजूद है। आपको यहाँ से सारी स्क्रीन यहाँ से कनेक्टेड है, जिस वक्त आप अपनी मूवी के अंदर क्रिटिकल पॉइंट पे पहुँचते हैं तो उसी वक्त मूवी रुकती है और आप लिखाते हैं इंटरमिशन, और फिर आप निकलते हैं और आप सोच रहे होते हैं यार आगे क्या होगा, हीरो बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या बनेगा इस मूवी का क्लाइमैक्स क्या होगा, और इस सारी चीज़ को सोचते सोचते आप इस फूड कोर्ट में आते हैं। चाहे जुरैसिक वर्ल्ड हो या मिशन मनी बैक गारंटी, हर नसल हर एज ग्रुप हर इंटरेस्ट की मूवी यहाँ पे मौजूद है, और हम यहाँ पे आ रहे हैं। नहीं जी ज़बरदस्त हमारा एक्सपोजर कंटिन्यू कर रहा है, हम जैसे हमने बताया मल्टीप्लेक्स सिनेमा है, मल्टीपल स्क्रीन है, स्क्रीन नंबर 3 में हम एंटर होने लगे। नहीं जी दरवाज़ा खोल के हम एंटर हो चुके हैं स्क्रीन नंबर 3 में, ये वो जगह है वेयर द मैजिक हैपेंस, यहाँ पे आपकी फिल्म को प्ले किया जाता है, आप यहाँ पे अपनी फैमिलीज के साथ बैठते हैं। जब आप आएंगे टिकट्स परचेज करने के बाद, अपने स्नैक्स परचेज करने के बाद आप यहाँ से एंटर होंगे, और जैसे ही आप अपने बाएं जानब देखेंगे तो आपको एक खूबसूरत ऑडिटोरियम जिसको कहा जाता है, जिसमें सिक्वेंशली स्क्रीन सीटें लगी होती हैं, वो आपको नज़र आएगा। और ये ऑडिटोरियम है गाइस और ग्रैंड मल्टीप्लेक्स स्क्रीन है, इस ग्रैंड मल्टीप्लेक्स स्क्रीन के ऊपर आपकी फेवरेट मूवी प्ले हो रही होगी। हम इस वक्त मौजूद हैं इस पे गोल्ड सीट्स पे, ये लग्जरी सीट्स हैं, लग्जरी इसलिए क्योंकि आप इसके ऊपर अपनी टांगों को भी रिलैक्स कर सकते हैं, आप इसको रिक्लाइन कर सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है कि आपके पीछे कोई और बंदा है जो डिस्टर्ब होगा, जिसकी आप जो है वो मूवी को भी डिस्टर्ब करेंगे। और जब आप यहाँ से सामने देखेंगे तो आपको ये जो पूरी मल्टीप्लेक्स स्क्रीन है ये कम्प्लीट नज़र आएगी, और इसमें कोई बंदा अगर नीचे वाली सीट्स पे से उठता है, आता है, जाता है, चलते फिरते हैं, तो वो आपके जो मूवी का जो व्यू है उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे, वो आप मूवी को पूरा इंजॉय करेंगे। जी तो हमने जैसा कि आपको पहले दिखाया, हमने आपसे कहा था कि हम अब आपको इसको सिनेपैक्स को शाम को पूरी ग्लोरी में पूरे जोबिन पे दिखाएंगे, तो टिकटिंग स्टार्ट हो चुकी है, शाम के शोज हैं रमज़ान टाइमिंग्स की वजह से, तो अभी फर्स्ट शो स्टार्ट हो चुके हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं, अभी हम बात करते हैं इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे ब्रदर? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताएं अभी कौन कौन से शोज हैं हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास सीट से रिलेटेड चीज़ें? बिल्कुल बिल्कुल सर, वैसे अभी रमज़ान में हमारे पास दिल्ली के ऑलमोस्ट 3 शोज होते हैं, पहला शो डे टाइम में होता है एंड सेकंड 2 शोज होते हैं जो अफ्तारी के बाद होते हैं, तो अफ्तारी के बाद कोई 9-10 के करीब आपको रोज़ 2 शोज देखने को मिल जाते हैं। अभी इस वक्त चल रही है एक इंग्लिश मूवी और दूसरी चल रही है मौला जट पाकिस्तानी पंजाबी जी। अच्छा ये बताएं बॉस के कितनी किस्म की टिकट्स अवेलेबल हैं और कितनी किस्म की सीट्स अवेलेबल? सर यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स अवेलेबल हैं, एक सिल्वर कैटेगरी एंड गोल्ड एक, ठीक है। सिल्वर में आपको रेगुलर स्टैंडर्ड सीट्स मिल जाती हैं एंड गोल्ड में सोफा सीट्स मिल जाती हैं। ज़बरदस्त जी, तो अगर हमने क्या चार्जेस होंगे दोनों के? जी सिल्वर की जो टिकट प्राइस है वो रेगुलर 600 की है एंड सोफा सीट जो अवेलेबल है वो हमारे पास 850 रिक्लाइनर सीट है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। ब्रदर आपने नाम नहीं बताया। मेरा नाम नकाश सर, नकाश जमील। ज़बरदस्त जी, नकाश भाई को लाइक करें, डिमांड चैनल को लाइक करें, कॉमेंट करके बताएं कि क्या है, हम टिकट्स अपनी लेते हैं जी। ब्रदर हमारे लिए और हमारी टीम के लिए जरा मौला जट की 3 टिकट्स कर दें रेगुलर। ज़रूर सर, ये आपकी सर
3 टिकट्स। थैंक यू सो मच, एंजॉय द मूवी। थैंक यू। इसी वीडियो में हमने आपको अर्लियर दिखाया जब ये सेटअप अपने प्रेपरेशन फेजेस में था सिनेपैक्स का, हमने आपको स्क्रीन 3 दिखाई थी। इस वक्त यहाँ पे पाकिस्तान की शान मौला जट, द लेजेंड ऑफ मौला जट चल रही है। आए हम आपको मूवी चलते हुए दिखाते हैं। ये देखिए जी, ज़बरदस्त किस्म की पाकिस्तान की शान मूवी चल रही है। हम उसी कैथीड्रल स्क्रीन पे मौजूद है जो हमने आपको सुबह दिखाई थी। कस्टमर्स आर एंजॉयिंग देयर मूवी, लग्जरी सीट्स पे भी रेगुलर सीट्स पे भी बैठे हैं। और साउंड आप चेक करेंगे कितना खूबसूरत है, विजुअल्स कितने ज़बरदस्त हैं, और पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है किसी भी फील्ड। आए अब हमारी बारी है, हम भी थोड़ी सी मूवी इंजॉय करके आपके साथ आए, थोड़ा सा मौला जट इंजॉय करके। लेजी सिनेपैक्स के वी आर रियली ऑनर्ड, हमारे साथ मौजूद हैं ऑपरेशनल मैनेजर सिनेपैक्स रावल पिंडी, इनसे हम बात करते हैं एंड लेट्स लर्न समथिंग अबाउट दिस एंटरटेनमेंट प्लेस। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सलाम जी, कैसे हैं आप? सर ये बताएं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज योर नेम एंड व्हाट इज सिनेपैक्स ऑल अबाउट? माय नेम इज यूसुफ सलीम एंड आई एम वर्किंग एज ऑपरेशन मैनेजर इन सिनेपैक्स। माशाल्लाह। तो सर एट एवरेज कितने क्लाइंट्स को हम कैटर करते हैं और कितनी स्क्रीन्स हैं, हमें थोड़ा सा सिनेपैक्स का? सर हमारी बेसिकली जिना पार्क रावलपिंडी में जो सिनेमा है हमारा, इसमें हमारी 5 स्क्रीन्स हैं माशाल्लाह, और इसमें हम ऑलमोस्ट अबव 1000 जो प्लस जो है वो कस्टमर्स कैटर माशाल्लाह 1000 प्लस कस्टमर्स को आप कैटर कर सकते हैं। अच्छा सर, ये जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा का कॉन्सेप्ट है इसके बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तानी ब्रांड जो है वो सिनेपैक्स, इज इट कंपेरेबल टू द इंटरनेशनल सिनेमा? ऑफ कोर्स डेफिनेटली, बिकॉज़ अगर हम एज पर द स्टैंडर्ड्स देखें और जो भी हमारा मल्टीप्लेक्स, ऑब्वियसली सिनेपैक्स इटसेल्फ जो है वो पायनियर है, और 2007 से जो है वो हमने ऑपरेशंस हमने स्टार्ट किए, तो बेसिकली पाकिस्तान में तो ये ऑब्वियसली फर्स्ट जो है वो सिनेमा चेन बेसिकली आई थी जो इनकी कंप्लीट। अब अगर आप और नॉर्मली देखें तो बाकी जो सिनेमाज हैं उसमें मेरे का हार्डली 1 स्क्रीन होती हैं ऐसे ही, या अब आजकल जो है पिछले लास्ट 5 to 7 ईयर्स में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है जिसमें मल्टीप्लेक्सेस बेसिकली बन रहे हैं, बट ऑब्वियसली सिनेमा सिनेपैक्स इटसेल्फ जो है वो बेसिकली सिनेपैक्स स्टैंड्स आउट। एग्जैक्टली। अच्छा ये बताएं सर कि ये जो हमारे पास यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत खूबसूरत खाने की फैसिलिटीज, फैमिली फैसिलिटीज, इस सारे सेटअप को मेंटेन करने के लिए कितने लोगों की टीम लगती है और हाउ डू यू डू इट ऑल? ऑफ कोर्स बेसिकली हमारा जो कंसेशन डिपार्टमेंट है उसमें इटसेल्फ हमारे पास इंक्लूडिंग 10 to 15 स्टाफ हैं, जिसमें हमारे पास सुपरवाइजर्स होते हैं, सीनियर स्टाफ्स हैं जो बेसिकली तमाम जो हमारे जो फूड एंड सर्विसेज जो है उसको हम मेंटेन करते हैं, तो वो तमाम जो है वो हमारी सर्विसेज जो है वो। एंड रिगार्डिंग द मूवी एक्सपीरियंस, उसको कैटर करने के लिए टोटल स्टाफ आपके पास कितने? अबव हमारे पास 50 होता है। अबव 50 का माशाल्लाह स्टाफ है एंड ग्रोइंग। किधर पाकिस्तान के अंदर कहाँ कहाँ सिनेपैक्स है? हमारी बेसिकली जो है 7 to 8 सिटीज में जो है वो बेसिकली हमारी चेन्स हैं, जिसमें कराची भी है, हैदराबाद है, उसके अलावा सियालकोट है, गुजरांवाला है, गुजरात है, लाहौर है, रावलपिंडी है, इवन हमारी इस्लामाबाद गीगा मॉल में भी हमारी साइट है। Exactly. तो वो भी तो कब स्टार्ट हुई ये चेन इन जनरल एंड रावलपिंडी वाला ये सेटअप कब बना? सर रावलपिंडी वाला इटसेल्फ ये जो साइट है ये बेसिकली हमारी पायनियर साइट है, ये 2007 में स्टार्ट हुई थी। wow. देन उसके बाद जो है वो बाकी साइट्स जो है ना बाकी सिटीज में जो है वो हमारी साइट्स जो है वो स्टार्ट हुई है। ये जो मेन पर्पस है हमारा वो कस्टमर को एंटरटेन करने का है, और हमारी कोशिश हमेशा से यही रही है कि कस्टमर अगर आ रहा है यहाँ पे तो वो सेटिस्फाई होकर जाए हर एस्पेक्ट से, चाहे वो मूवी देख रहा है, चाहे वो हमारी फूड सर्विसेज ले रहा है, हर तरह के हर तरीके से जो है वो इसको एंजॉय। किसी भी टॉप सेटअप की खूबसूरती होती है उसका क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी। देखा जाए तो हमारे फायर एंड सेफ्टी सर्विसेज अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज अवेलेबल है, आप आए अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। अच्छा अगर किसी बंदे ने आपको ऑनलाइन ढूंढना हो, यहाँ तक पहुँचना हो, तो हाउ वुड दे गो अबाउट? हाँ
हमारी बेसिकली वेबसाइट है सिनेपैक्स www.cinepax.com। उसके अलावा जो हमारी जिना पार्क की साइट है उसके लिए जो है वो हमारी फ़ोन बुकिंग भी अवेलेबल है, वो भी आप जो है वो उस पर भी कस्टमर कॉल करके जो है वो बुकिंग करवा सकता है। वो मैं आपको उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर देता हूँ, वो 0518467156। फटाफट कॉल करें जी फॉर द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एंटरटेनमेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान किसी भी स्फीयर में पीछे नहीं है। अच्छा सर, वी आर रियली ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम एंड द अपॉर्चुनिटी टू कवर योर सेटअप। नाउ वी विल शो यू आवर व्यूअर्स योर सेटअप एट इट्स ग्लोरी इंशाल्लाह ताला। श्योर श्योर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मूवी गोअर्स, आपके लिए जबरदस्त किस्म की मूवी के साथ साथ स्नैक्स एंड फूड्स, जैसे हमने आपको कहा था एट इट्स ग्लोरी। इस वक्त ये फूड का सेक्शन जो है वो अपनी पूरे जोबन पे चल रहा है, और नाचोस भी हैं, पॉपकॉर्न्स भी हैं, स्नैक्स भी हैं, पाकिस्तानी स्नैक्स भी हैं, नगेट्स हैं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। और आपका इंतज़ार कर रहे हैं, टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ मौजूद है जो मुंतज़िर हैं कि जैसे ही इंटरमिशन होगा वो आपको सर्व करने के लिए तैयार खड़े हुए। तो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ सिनेपैक्स। आप आए विद योर फैमिली, यू विल गेट अ होलसम एक्सपीरियंस इंशाल्लाह। ले जी, मूवी गोअर्स, मूवी लवर्स, एंटरटेनमेंट लवर्स ऑफ ऑल एजेस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, आज हमने आपको पाकिस्तान का प्रीमियर मल्टीप्लेक्स ब्रांड दिखाया। अरसे से 15 साल से ये ब्रांड इस्टेब्लिश हो चुका हुआ है, और मल्टीपल स्क्रीन्स से अलावा मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट यहाँ पे मौजूद है और आपका इंतज़ार कर रही है। डिमांड चैनल के तवसुत से हम आपको पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की एक्सेलेंस भी दिखा रहे हैं। हमने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या, एम्यूजमेंट पार्क इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में हमने एक्सेलेंस अचीव की है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि लॉन्ग लिव पाकिस्तान। तो फॉर ऑल आर व्यूअर्स आउटसाइड पाकिस्तान, डू कम टू पाकिस्तान वेन एवर यू कम, डू वॉच अ मूवी एट सिनेपैक्स, यू विल लव इट। इट्स अ होलसम एक्सपीरियंस, इट्स अ फैमिली एक्सपीरियंस। विद दैट सेड, डिमांड चैनल को लाइक करें। सांसों ने वफा की और पाकिस्तान से मोहब्बत का सिलसिला जारी रहा। तो मिलेंगे एक और ज़बरदस्त से पाकिस्तानी सेटअप में, एक और इंस्पिरेशनल जगह पे, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दिखाते हुए। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।